हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड ऑनलाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए हमें जो टाइप के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्या है वो? तो जो क्वेश्चन है हमारा, टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो आज हम बेस्ड ऑन क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो व्हेन वैन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज़ गिवेन। ठीक है, जब हमें एक लाइन दिया हुआ है उसके हेल्प से आपको डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने हमारा जो सिलेबस था उसमें देखा हुआ, स्टूडेंट 12th के सिलेबस में देखा हुआ है कि हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये पहले हम समझ लेते हैं। एक बार आपने समझा तो इस पर बेस्ड और भी अलग अलग टाइप के इक्वेशन को आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखा हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में है दिया हुआ इक्वेशन। क्या है? एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन बाय सी। तो इसमें ये टर्म क्या क्या है वो हम देख लेते हैं, और कैसे हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है और आपको बोला है कि लाइन का इक्वेशन बना, वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आज हम सिर्फ देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये अभी हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। तो इसमें देखिए, ये जो एक्स वन वाई वन जेड वन है वो उससे हमें पॉइंट ऑफ अ लाइन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर माइनस है तो हम प्लस लिखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स वन माइनस है, यहाँ पर प्लस लिख दिया, वाई वन माइनस है हमने प्लस लिख दिया, जेड वन माइनस है हमने इसे प्लस लिख दिया। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो हम उसका रिवर्स करेंगे। ओके, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है x1, y1, z1। और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं। यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में जो भी टर्म रहेगा वो हमारा डायरेक्शन रेशियो होगा। लेकिन आपको उसके पहले ध्यान रखना है, यहाँ पर x, y और z के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, टू थ्री फोर ये नंबर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ कोई नंबर है तो उसको आप रिमूव करिए, उसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में जो आपका टर्म है वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो अभी डायरेक्शन कोसाइन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड आउट करने के लिए जब भी बोला रहेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ए बाय अंडर रूट ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। जो हमने डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट किया उसी के हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो कोसाइन हो जाएगा, ये डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैसे हमें डायरेक्शन रेशियो कोसाइन फाइंड आउट करना जब हमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स तो इसका वैसा वैसा भी हमें क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनाने के लिए बोला तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बेस्ड ऑन डायरेक्शन रेशियो कोसाइन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इस पर हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड द डी सी एस मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ठीक है, यहाँ पे हमें लाइन दिया हुआ है उसका हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ अ लाइन उसमें हम कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें रेशियो मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो, और फिर उसके से हम डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको अच्छे से स्टेप्स लिख कर दिखाता हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो और उसके बाद आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका जो टाइम है उसका बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे x के साथ y के साथ तो z के साथ जो कोएफिशिएंट है वो रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर इसके इसमें 3 के साथ डिवाइड एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 3 से डिवाइड करूँगा। यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ओके, तो अब मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो मुझे यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 बाई थ्री अपॉन 1 बाई थ्री। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 1 बाई टू। और यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, जेड माइनस 1 बाई फोर बाई 1 बाई फोर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा ए क्या हो गया 1 बाई थ्री, बी क्या हो गया 1 बाई टू एंड सी क्या हो गया मेरा 1 बाई फोर। ये हमारा डायरेक्शन रेशियो मिल गया, ये डायरेक्शन रेशियोस। ठीक है, लेकिन मुझे क्या फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन बोला है, डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा। ठीक है, इसे या फिर आप लिख सकते हो, ये इन देखिए इनका जो डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम लेंगे 3 4 और 2,
ट्वेल्व से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका इसको इसमें हम लिख सकते हैं फोर और सिक्स और थ्री, ठीक है। इसे हम ये हमारा ये भी हो सकता है, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं। तो आप हमेशा ट्राई करिए, ये जो रैशनल फॉर्म में दिख रहा है उसे आप नॉर्मल फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं रखिए उसको, ठीक है। तो इसे हमने क्या किया, 1/3, 1/2, 1/4, जो डिनोमिनेटर का तीनों का एलसीएम निकाला, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो 4:6:3 मिल गया, ठीक है। अभी इससे ही याद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 4/√4² 16, 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 42, 61। तो हमारा √61 हो जाएगा, तो 4/61, 6/√61 और 3/√61। तो ये आप डायरेक्टली आंसर देखेंगे तो ये हमारा ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमें डायरेक्शन रेशियो मिल गया जब हमें लाइन दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ठीक है। ये हमारा लाइन है, तो यहाँ पर देखिए और इसे हम लिख देते हैं y+3/-2, और यहाँ पर इज इक्वल्स टू z-0/1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -2 और c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इसे हमें इसका हम 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, मतलब √9 मिल जाएगा, मतलब 3। तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या मिल जाएगा, 2/3, -2/3 एंड 1/3, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। देखिए हमारा कौन सा राइट ऑप्शन दिख रहा है, दिस इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको आप देखिए। इस पर बेस्ड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ, हमें डायरेक्शन रेशियो बोला हुआ है, DRS मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। अब जब क्वेश्चन में DCS दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइंस, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो में फाइंड आउट करने के लिए बोला, इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक्स 3/4 यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा y/1/2, यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, z-1/2/1/2, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 1/2 1/2। लेकिन हमें देखिए होल नंबर में दिया हुआ है, ये रैशनल फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, इसे होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 2 2 का आप जब एलसीएम निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो 1 2 2 1 2 2, ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ, इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है, ये हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, तो इसे हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये x-1/2, यहाँ पर y के साथ देखिए 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y-1/2/3/2, और यहाँ पर z/2 है, तो यहाँ पर z/1 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू 2 3/2 और b इज इक्वल्स टू और c इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो अभी यहाँ पर देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो हम इसके डिनोमिनेटर 1 है, इसके डिनोमिनेटर 1 है, तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 से हम सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या लिख देंगे हम, दिस 4 3 2। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करने के बोला, डायरेक्शन कोसाइन, तो अभी इसका हम क्या करेंगे, √4² 16 + 9 + 4 20 29, √29, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4/√29, 3/√29 और 2/√29, ठीक है। तो ये आंसर देखिए कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन ए 4/√4 3 2, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ओके। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल है इसीलिए, ओके। और इस पर बेस्ड अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस पर बेस्ड और भी आप क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना हर एक चीज़ है, ठीक है। अगर हर एक चीज़ याद है आपका
आपको याद है तो आप बहुत ही इस पर बेस्ड और भी एग्जांपल्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन बनाना है, पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया, डायरेक्शन कोसाइन दिया, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो उस पर बेस्ड भी हमने एग्जांपल्स किया हुआ है स्टूडेंट्स। आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, और जो भी लाइन के और भी जो टाइप के क्वेश्चन हमने कवर किए हैं वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और भी देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स पे वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, शॉर्टकट मेथड में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट मेथड्स के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट जरूर करिए कि बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट्स, और जितना ज़्यादा ही आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे वही आपको स्पीड आपका बढ़ा सकता है। पहले आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फॉर्मूला लर्न करना है, और उसके बाद जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका स्पीड अपने आप बढ़ते चले जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलो थैंक यू, बाय, बेस्ट ऑफ लक।